वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोनिया गांधी पर फेसबुक पोस्ट के जरिए साधा निशाना, कहा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। भारत ने यह बात कभी स्वीकार नहीं की थी कि महारानी कानून के प्रति जवाबदेह नहीं हो सकती। नेशनल हेरल्ड मामले में कांग्रेस के तेवर सख्त, आज भी संसद में हंगामे के आसार। सुबह 10 बजे सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। संसद के दोनों सदनों में आज बयान देंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, अपनी 2 दिवसीय पाकिस्तान यात्रा पर देंगी बयान। आज असम दौरे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, गुवाहाटी में महिला स्वयं सहायता समूह की कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलने का है कार्यक्रम। सुप्रीम कोर्ट में होगी मैगी पर सुनवाई, बॉम्बे हाई कोर्ट के बैन हटाने के फैसले के खिलाफ FSSAI ने दायर की है अपील। दिल्ली में आज से सजेगा एजेंडा, आज तक का महामंच, देश के विकास पर नितिन गडकरी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होगा पहला सेशन। मोदी लहर पर बात करेंगे रविशंकर प्रसाद, आनंद शर्मा और वृंदा करात। यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी करेंगे एजेंडा आज तक में शिरकत, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान बताएंगे 10 कदम। एजेंडा आज तक में शिक्षा के एजेंडे पर बात करेंगी स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू, महेश शर्मा, उमर अब्दुल्ला भी होंगे एजेंडा के मंच पर। सोनम कपूर लगाएंगी ग्लैमर का तड़का, बॉलीवुड और खूबसूरती पर होगी बात। एजेंडा आज तक के मंच पर जुटेंगे क्रिकेट के 2 दिग्गज, कपिल देव और इमरान में होगी बात। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के 75वें जन्मदिन से पहले दिल्ली में हुआ अमृत महोत्सव, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समेत सियासी दिग्गज के तमाम मंत्री हुए शामिल। अमृत महोत्सव में एक ही मंच पर नजर आए पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पीएम ने राहुल गांधी से भी मिलाया हाथ। समारोह के दौरान पवार ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जनता सदन की कार्रवाई बाधित करने के लिए नहीं चुनती सांसदों को। पीएम मोदी ने शरद पवार के कामों की जमकर की तारीफ, कहा मुंबई को अंडरवर्ल्ड के चंगुल से छुड़ाया। पवार के 75वें जन्मदिन पर पूरे साल भर चलेगा अमृत महोत्सव, 12 दिसंबर को जन्मदिन पर मुंबई बारामती समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में होगा कार्यक्रम। आज 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंच रहे जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे, शाम को सुषमा स्वराज से होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की वाराणसी यात्रा से पहले वाराणसी के घाटों की सफाई, गंगा में उतारा गया कचरा निकालने के लिए ट्रैश स्टीमर। इंडो नेपाल फ्रेंडशिप क्लब ने गंगा नदी के किनारे रेत पर दिया मित्रता का संदेश, मोदी और शिंजो आबे की बनाई आकृति। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, इंश्योरेंस के नाम पर लोगों से करते थे ठगी, करीब 100 लोग हिरासत में। यूपी के अमेठी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, राहुल के संसदीय क्षेत्र से पेपर मिल छीने जाने से थे नाराज, जगदीशपुर की जगह अब महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लगेगा कारखाना। अमेरिकी जेल में इस वक्त 35 साल की जेल की सजा काट रहा है हेडली, डेविड के मुताबिक मुंबई हमले में वो कबूल कर चुका है अपना गुनाह। दो हिट एंड रन केस में 13 साल बाद सलमान खान को बड़ी राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी आरोपों से किया बरी। फैसले के वक्त कोर्ट में मौजूद थे सलमान खान, बरी होने के फैसले पर हुए भावुक, परिवार के साथ मिलकर फूट फूट कर रोए। हादसे के पीड़ित ने सलमान को मिली राहत पर जताई खुशी, लेकिन मुआवजा नहीं मिलने से मायूस। सलमान के घर देर रात तक उनसे मिलने आने वालों का लगा रहा तांता, डेविड धवन, जैकलीन फर्नांडिस, डेजी शाह, संगीता बिजलानी, अन्नू मलिक समेत कई हस्तियां पहुंची भाईजान को बधाई देने उनके घर। सलमान के घर के बाहर उनके बॉडीगार्ड ने की मीडिया कर्मियों से बदसलूकी, रात को मीडिया कर्मियों को हटाना चाहते थे सलमान के बॉडीगार्ड। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी वारदात में रणजीत नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल, पुलिस को गैंग वॉर की आशंका।
दिल्ली के करोल बाग इलाके में चोरों ने एक मकान का ताला तोड़ लाखों की ज्वेलरी और 2 लाख रुपए कैश गायब कर दिए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई लेकिन चोर अब तक फरार। दिल्ली के राजा गार्डन इलाके में नाबालिग से रेप, लड़की के सगे चाचा पर आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में पूर्व एमएलए भरत सिंह मर्डर केस के गवाह विपिन की हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने एक लड़की को किया गिरफ्तार। उदयवीर काला गैंग ने हनी ट्रैप की तरह लड़की का किया था इस्तेमाल। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे सिटी सर्विलांस एक्सपो, दुनिया भर की 100 से ज्यादा कंपनियां ले रही हैं सिक्योरिटी एक्सपो में हिस्सा। चंडीगढ़ में एक युवक ने सरेआम की बुजुर्ग दंपत्ति की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री विक्रम पर अवैध निर्माण करवाने का आरोप, गुस्साए लोगों ने रेवाड़ी नारनौल मार्ग किया जाम। पंजाब के अजनाला में शराब के नशे में एक पुलिस वाला सड़क पर ही ढिमला गया, स्थानीय लोगों ने थाने फोन कर पुलिस वाले को इत्तला दी। पंजाब के फतेहाबाद में किसानों ने ज्यादा मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, हिसार से डबवाली के बीच 4 लेन के लिए ली गई है किसानों की जमीन। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पत्नी को मारने की कर रहा था साजिश। ठाणे में एम्बुलेंस में आग लगने से हुआ बेहद दर्दनाक हादसा, नवजात बच्चे की जलकर हुई मौत। पहले ऑक्सीजन सिलेंडर में लगी आग, फिर हुआ धमाका, नर्स और डॉक्टर भी हुए जख्मी, पास खड़ी दूसरी एम्बुलेंस भी हुई राख। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के ट्विटर पर फरियाद से ट्रेन में 2 साल के मासूम को मिला दूध, मरुवाडी से दिल्ली जा रही ट्रेन में बच्चे की मां ने रेल मंत्री से ट्विटर पर दूध के लिए किया था ट्वीट। 12 साल के बच्चे ने ऋषिकांत ने बनाया पानी से जलने वाला स्टोव, खाना बनाते वक्त मां की परेशानी देखकर किया आविष्कार, इनाम में मिले 5,000 रुपए। स्टोव जलाने के लिए पहले केरोसिन की पड़ती है जरूरत, बाद में पानी करता है ईंधन का काम। ऋषिकांत चित्रकूट में बस और टेम्पो में भिड़ंत, हादसे में 6 लोगों की मौत, 9 घायल। एक 180 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान रवाना, लाहौर के कृष्णा मंदिर और चकवाल के महाभारत कालीन कटासराज मंदिर का करेंगे दर्शन। शिमला की शीतलहर की चपेट में लाहौर स्पीति चंबा कांगड़ा जैसे ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। जोरदार बर्फबारी से सफेद सर्द हुआ गुलमर्ग, सैलानियों ने जमकर की मौज मस्ती। विश्व मानवाधिकार दिवस पर ओडिशा में छात्रों ने बनाई मानव श्रृंखला, 25,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा, करीब 30 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई।